जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का है कांग्रेस का अभियान। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने, युवाओं की आवाज बनने अनेक मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए कांग्रेस ने SGS कॉलेज के पास से सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक निशंक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं, बेरोजगारी, महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की बात हो या कमलनाथ जी के 5 वचनों को पूरा करने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज ये यात्रा शुरू की जा रही है। यह यात्रा 1 महीने तक चलेगी। लेकर हमने गंज बासुदा से यह यात्रा प्रारंभ की और 5 अगस्त तक लगातार ग्रामीण अंचल तक हम बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करेंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार है, उनका सबसे सीधा कहना है कि सिर्फ कमाओ योजना जो उन्होंने लागू की है और उस पर कई बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनका ये कहना कोई बेरोजगारी नहीं, घटित हो गए हैं, कई उद्योग धंधे बंद हो गए। कोरोना के बाद तो लगातार कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और उन पर जो गब्बर सिंह टैक्स है उससे प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार कम हुए, तो यह 100% कहना गलत है। और सब हम देख रहे हैं बेरोजगारी आज किस हद तक बढ़ गई है। सबसे पहले मुझे यहाँ के लोगों की, जो युवा आज नशे से परेशान है, तो नशा मुक्ति के लिए मेरा अभियान चल ही रहा है और नशे से बचाने के लिए, क्योंकि ये सबकी जड़ होती है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के लिए हम कई फैक्ट्रियाँ जो आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं लाया है, बेरोजगारी, जबकि हमारे यहाँ पर पत्थर जो विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी भी फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री है उसको भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता। तो हम कई ऐसे जो यहीं अनाज है उससे रिलेटेड बेसन अनाज ये सब इनकी आप मील डाल सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो ये सब हम जो पत्थर है हमारा उससे रिलेटेड यहाँ बहुत काम है, पर बेरोजगारों के लिए ऐसी हम कारखाने लाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके।